हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसको हम बोलते हैं CCB, शॉर्ट में बोलेंगे हम इसको CCB या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये दरअसल आता है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आप इसको पढ़ेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी पढ़ेंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग में भी पढ़ेंगे इसको, एंटी एरिथमिक ड्रग में भी आएगा। ठीक है, तो बहुत जगह इसको फार्माकोलॉजी में आप देखेंगे, बहुत जगह देखने को आपको ये टॉपिक मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब मैकेनिज्म है, ये ड्रग किस तरीके से काम करता है और कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, उसका जो बेसिक्स है आज जो है वो हम इसको जानेंगे। ठीक है, और इस जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है इसे हम 2-3 पार्ट्स में हम अपने डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोई ऐसा चैनल है जिसके अंदर से क्या है हमारा कैल्शियम पास होता है। क्या हो रहा है, कैल्शियम कहीं ना कहीं से किसी चैनल के थ्रू पास हो रहा है और जहाँ से वो पास हो रहा है उसको हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। यानी कि कोई ऐसा गेट है जहाँ से हमारा जो है कैल्शियम क्रॉस होता है। ठीक है, और उस क्रॉसिंग को हमें ये ड्रग जो है वो बंद करता है, कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन है। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारी बॉडी में कैल्शियम का बहुत यूज़ है। एक तो हमारे बॉडी में बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब 95% मान के चलिए बोन के अंदर कैल्शियम होता है। बाकी कुछ कैल्शियम हमारे टीथ वगैरह में हो गया और बाकी कुछ कैल्शियम हमारी मसल्स में होता है, कुछ कैल्शियम हमारी ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो कैल्शियम है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, लेकिन जो हार्ट है हमारा और जो हमारा वैस्कुलर स्मूथ मसल होती है, वैस्कुलर स्मूथ मसल किस में हो गया, हमारी आर्टरीज वगैरह में जो होती है। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में जो कंडक्टिव सिस्टम होता है, मतलब हार्ट में जो इम्पल्स जनरेट होता है और उसमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए क्या होता है, कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, मतलब कि अगर कैल्शियम ना हो तो हार्ट हमारा अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। हम जो मसल्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसके लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। ठीक है, हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। ठीक है, वैस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसके लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने मान लीजिए ये मैंने हार्ट के लिए बनाए, हमारा ये हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो हमारी पेसमेकर सेल होती हैं और एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होती हैं। ठीक है, पेसमेकर सेल वो होती हैं जो कि जैसे SA नोड हो गया, AV नोड हो गया, परगंजे फाइबर हो गया, बंडल ऑफिस हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारी पेसमेकर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, कंडक्शन को स्टार्ट करती हैं, मतलब कि जो सिग्नलिंग होती है उसको स्टार्ट करती हैं, फिर वो सिग्नल धीरे धीरे नीचे आता है, फिर वो सिग्नल क्या होता है, मसल्स में जाता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ये सारी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो जो पेसमेकर सेल होती है, ये मैंने पेसमेकर सेल बना दी है और ये हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है, मैंने ECG में एक लेक्चर बनाया, अगर आपको देखना हो तो एक बार जाके देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लीकी सोडियम चैनल होते हैं। क्या होते हैं, लीकी सोडियम चैनल। अब देखिए, जो हमारा हार्ट है उसकी जो पेसमेकर सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, -70 mV का क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। एक रेस्टिंग मतलब रेस्ट की कंडीशन में इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है -70 mV का होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग स्टेज में होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हार्ट की जो पेसमेकर सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है, एक लीकी सोडियम चैनल होता है, मतलब एक सोडियम चैनल है, इसके थ्रू क्या होता है, सोडियम अंदर जाता है तो ये हमेशा लीकी कंडीशन होता है, लीक करता रहता है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम लीक करता है, तो जैसे जैसे सोडियम इसमें से लीक करने लगता है तो सोडियम अंदर आने लगेगा। ठीक है, सोडियम अंदर आएगा तो जैसे जैसे सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम के अंदर आने से क्या होता है, यहाँ की नेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ेगी, तो वोल्टेज बढ़ेगी यानी कि रिवर्स जाएगा। तो जैसे ही वोल्टेज -55 mV तक जाता है, कितना, -55 तक जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ चैनल होते हैं इसे बोलते हैं हम टी टाइप। क्या है, कैल्शियम चैनल। क्या होते हैं, टी टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं। तो जब -55 mV का हमारा
पोटेंशियल होगा तो टी टाइप कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और बाहर जो सेल के बाहर जो कैल्शियम है वो अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही कैल्शियम अंदर जाना स्टार्ट होगा ये हमारी सेल क्या है और ज़्यादा पॉजिटिव होने लगेगी। तो जैसे पॉजिटिविटी ऊपर बढ़ेगी तो ये पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते पहुँच जाएगी हमारी -40 मिलीवोल्ट पे। और जैसे ही -40 मिलीवोल्ट पे पहुँचती है एकदम से क्या होता है, यहाँ पे होते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल। कैसे चैनल होते हैं? एल टाइप कैल्शियम चैनल। और एल टाइप कैल्शियम चैनल बहुत सारे होते हैं, एकदम से सडनली ओपन हो जाते हैं और क्या होता है बहुत सारा कैल्शियम क्या होता है एल टाइप कैल्शियम चैनल के थ्रू क्या होता है सेल के अंदर आने लगता है। ठीक है, सोडियम चैनल ने लीक किया उससे थोड़ी पॉजिटिविटी हुई -55 होते ही टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, फिर हमारा कैल्शियम अंदर गया। और जैसे -40 मिलीवोल्ट पे पहुंचा वैसे हमारा क्या हो गया टी एल टाइप कैल्शियम चैनल क्या हुआ ओपन हो गया और सीधा क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट होने लगी। और धीरे 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 करके क्या होगा ये पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी, सेल क्या होगी हमारी डिपोलराइज होने लगी और ये पहुंच जाता है लगभग +30 मिलीवोल्ट के आसपास। कितना पहुंचेगा? 30 मिलीवोल्ट के आसपास ये पोटेंशियल पहुंच जाता है। फिर क्या होगा ये पोटेंशियल जो है हमारा जो यहाँ पे पॉजिटिविटी जनरेट हुई है ये हमारा पहुंचेगा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल तक। हमारी ये पेसमेकर सेल थी इसने पोटेंशियल जनरेट किया और ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल तक पहुंचा देता है। तो जैसे पॉजिटिविटी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल तक जाती है तो क्या होगा यहाँ पे कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं। ये तो लीक सोडियम चैनल थे जो अपने आप लीक हो रहे थे, लेकिन ये कब ओपन होते हैं जब इन्हें कुछ थोड़ी सी वोल्टेज मिलती है। तो ये वोल्टेज यहाँ से है, तो जैसे ही यहाँ वोल्टेज मिलेगी तो ये सोडियम चैनल ओपन होते हैं और यहाँ से सोडियम लीक करने लगता है, अंदर आने लगता है, तो इसकी भी पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। और जैसे इसकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के अंदर जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ये भी इसकी भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और ये क्या करता है यहाँ पे भी हमारा एल टाइप कैल्शियम चैनल होता है, क्या होता है एल टाइप कैल्शियम चैनल, इसको क्या कर देती है एकदम से ओपन करेगी। और जैसे ओपन करेगी यहाँ से बहुत सारा कैल्शियम अंदर आने लगेगा। ये हमारी पेसमेकर सेल है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल की बात हो रही है। और ये कैल्शियम जैसे ही अंदर आने लगेगा बहुत स्पीड से, फिर क्या होगा जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है उसमें जो हमारी मसल्स होती है उस मसल में कैल्शियम जाके ठीक है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में क्या कराएगा, जैसे क्योंकि आपको पता है जो भी हमारी मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। बिना कैल्शियम के लिए कोई भी मसल हमारी बिना कैल्शियम के बिना कोई भी मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो जैसे ही कैल्शियम इसको मिलता है फिर क्या होता है हमारी हार्ट की मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है और हार्ट में सिस्टोल की कंडीशन होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बीट हमको मिलती है। और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, यहाँ से कंडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है और ये पूरा हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और ये स्पीड से चलने लगता है। ठीक है, अगर और ये तो हमारी हार्ट की रही कंडीशन, अब ये कंडीशन है हमारी वैस्कुलर स्मूथ मसल, मतलब जो हमारी आर्टरीज होती हैं वैस्कुलर स्मूथ मसल जो हमारी आर्टरीज हैं हमारी उसके अंदर क्या होती है उसके अंदर भी कुछ स्मूथ मसल होती हैं। ठीक है, और उन मसल को भी कॉन्टैक्ट करने के लिए चाहिए होता है कैल्शियम, और ये कैल्शियम जो है यहाँ पे भी क्या होता है हमारा एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं और एल टाइप कैल्शियम चैनल के थ्रू क्या होगा ये ओपन होते हैं, यहाँ से कैल्शियम अंदर जाता है और कैल्शियम अंदर जाने के बाद क्या होता है हमारा एक्टिन मायोसिन यहाँ पे यहाँ मसल के पास है मसल फाइबर के पास जाएगा और ये मसल क्या होती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरली सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब क्या होगा इस ड्रग को जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है कैसे काम करेगा ये तो मैंने नॉर्मल प्रोसीजर बताया आपको कि कैल्शियम कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, कितने टाइप के कैल्शियम चैनल हैं यहाँ पे, दो टाइप के हमें दिख रहे हैं, हार्ट के अंदर एल टाइप और टी टाइप दिख रहा है मस्क, और इसमें हमारा सिर्फ एल टाइप का दिख रहा है। अब मान लीजिए ये एक नॉर्मल आर्टरी है, ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, इसमें ये वैस्कुलर स्मूथ मसल है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है और एक ये आर्टरी है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रखी है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है। ठीक है, दो तरह की हमारे पे आर्टरी, एक तो नॉर्मल है और ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है। अब क्या होगा, मान लीजिए होता क्या है कि जो जिन पेशेंटों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनमें क्या होता है उनकी जो आर्टरीज होती हैं
आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, उनके अंदर जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाती हैं क्योंकि उनमें भी मसल है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ने लगता है। क्या होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है किसके वजह से, आर्टरी उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से। तो जैसे आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ने लगता है, ठीक है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोल होता है हमारा 80 mm of Hg, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होगा, लगातार हमारा उससे बीपी बढ़ने लगता है। ये एक साधारण व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, लेकिन एज के साथ भी ये चीज़ होने लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे कि हमारी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। अब क्या होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट करने लगे आर्टरी, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, उसके आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर रखी है बहुत ज़्यादा, तो अगर हम इस कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर दें, इसको मैं ब्लॉक कर दूँ, तो क्या कैल्शियम अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। और कैल्शियम जब अंदर नहीं जाएगा तो क्या मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगी, ये आर्टरी हमारी फिर से क्या होगी, डायलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, इसमें स्पेस बढ़ जाएगा, और स्पेस बढ़ने की वजह से इसमें ब्लड का फ्लो जो है बहुत ही आसानी से होने लगेगा, और पेशेंट का क्या है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक आपके पास ये एक बलून है, ठीक है, इस बलून के आगे मैंने एक पाइप तो ये लगा दिया, एक पाइप ये लगाया, ठीक है, और एक पाइप मैंने मान लीजिए ये पतला लगा, एक बहुत मोटा पाइप लगा दिया, और ठीक है, दो तरीके से, एक तो ये पतला पाइप इससे कनेक्ट किया और एक मोटा पाइप कनेक्ट किया। मान लीजिए पहले मैंने पतला वाला कनेक्ट किया, अगर आप इसमें पानी भरा हुआ, इसमें अगर आप दबाव देंगे, प्रेशर देंगे, तो आपको किस कंडीशन में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में, ठीक है। तो जनरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि जो पतला पाइप होगा उसमें अगर हम पुश करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एरिया जो है बहुत कम है, और उसके वजह से जैसे एरिया कम होगा तो हमें यहाँ से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके इसके ऊपर भी क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा लोड लगेगा, फ्लूइड का लोड क्या होगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इस आर्टरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और इसके रप्चर होने का भी खतरा है। मान लीजिए हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करे जा रहा है, और उसके वजह से हो सकता है ये प्रेशर की वजह से रप्चर भी हो जाए, हैमरेज भी होने के चांस होते हैं। देखा होगा आपने जिन पेशेंटों का बीपी बढ़ा होता है उनमें नेज़ल ब्लीडिंग होने लगती है, उनकी जो आर्टरी होगी वो अंदर से नेज़ल आर्टरी होगी वहाँ से रप्चर हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा उनके अंदर। ब्रेन हैमरेज होने का बहुत बड़ा कारण जो होता है वो भी ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ये आर्टरी फट जाती है प्रेशर की वजह से। लेकिन इसकी जगह पे अगर डायलेटेड आर्टरी हो तो बहुत ही आसानी से यहाँ से भी हमको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा और इसमें भी प्रेशर कम पड़ेगा। तो जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो बेचारा हमारा जो हार्ट है, मान लीजिए हमारा हार्ट है, इस पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तो इसमें भी क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगती है हार्ट में। लोड पड़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा, लोड पड़ने की वजह से चेस्ट पेन वगैरह जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उसमें चेस्ट पेन होने लगेगा, और जब ब्लड हमारा प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उसके वजह से क्या होगा, हार्ट रेट को भी बढ़ाने लगता है, स्पीड से और लोड देने लगता है, उसके वजह से कई पेशेंट में क्या होती है, हाइपरट्रॉफी भी डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा जिन पेशेंट को बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर है, उनमें जब हार्ट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो उनकी जो होती है वॉल जो होती है वेंट्रिकल की, वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, तो उनमें कार्डियोमायोपैथी या क्या हो जाता है, उनमें हार्ट का साइज क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से कैल्शियम हमारा जा रहा है, अगर मैं इस कैल्शियम को ब्लॉक कर दूँ, यहाँ से भी ब्लॉक कर दूँ, तो क्या होगा, कंडक्टिव सिस्टम में बाधा हो गई, है ना, मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको रोक दिया, तो इस वजह से क्या होगा, कंडक्टिव सिस्टम भी स्लो पड़ जाएगा हमारा, और यहाँ पे हार्ट की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो यह दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, मैंने इसको डायलेट भी कर दिया और यहाँ पे भी रिलैक्स कर दिया, ठीक है, दोनों को रिलैक्स कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, रिलीज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, ये जो है इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसकी दो कैटेगरी होती है, एक तो नॉन डिहाइड्रोपाइरिडिन्स होता है, ठीक है, नॉन डिहाइड्रोपाइरिडिन है, और एक डिहाइड्रोपाइरिडिन्स होते हैं, ठीक है, डिहाइड्रोपाइरिडिन्स और नॉन डिहाइड्रोपाइरिडिन। पहले बात कर लेते हैं नॉन डिहाइड्रोपाइरिडिन्स के बारे में। तो जो नॉन डिहाइड्रोपाइरिडिन्स ग्रुप के जो ड्रग होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं,
उनके अंदर क्या खास बात होती है, ये एक प्रकार से कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं। इनका जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, मेनली हार्ट में जो एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं उन पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कार्य करते हैं। तो अगर ये हार्ट के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो क्या करेंगे, हार्ट रेट को मेंटेन करते हैं। मतलब अगर पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ने की वजह से बीपी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट रहती है उसको, तो हमारे जो वेरापा मिल है या डिल्टियाजम है, ये जो हमारे नॉन हाइड्रोपायरिडिन ग्रुप की जो ड्रग है, ये इसमें हमारे हेल्प करते हैं। जबकि जो डिहाइड्रोपायरिडिन ग्रुप के जो हमारे ड्रग है, जैसे निफिडिपिन, एमलोडिपिन, निकारडिपिन, क्लेविडिपिन, निमोडिपिन, इन सब का जो मेन फंक्शन होता है, ये मेनली कार्य करते हैं किसके ऊपर, वेस्कुलर स्मूथ मसल में। ये जो हमारी आर्टरी है उसको डायलेट करने के लिए बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। हार्ट में इनका, हार्ट में जो एल टाइप कैल्शियम चैनल है उन पर इनका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता। इनका मेन इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा वेस्कुलर स्मूथ मसल पे, यानी कि आर्टरी को डायलेट करने का, वैसो डायलेटर का काम ये करते हैं। जबकि जो नॉन डिहाइड्रोपायरिडिन्स होते हैं, ये मेनली काम करते हैं किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, ठीक है। उसमें से भी देखिए, जो वेरापा मेल होता है वो कार्डियो सिलेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, ये मेनली बहुत ज़्यादा कार्डियो सिलेक्टिव होगा, यानी कि ये हार्ट के एल टाइप कैल्शियम चैनल को बहुत अच्छे से ब्लॉक करेगा, तो ये हार्ट रेट को अच्छे से मेंटेन कर सकता है, कम कर सकता है। जबकि ये आर्टरी जो होती है, वेस्कुलर स्मूथ मसल होती है, उसको डायलेट करने का जो काम करता है वो बहुत कम करता है, मतलब आर्टरी पे इसका इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। जबकि जो हमारा डिल्टियाजम है, ये लगभग दोनों पे ही बराबर असर दिखाता है, हार्ट रेट को भी कम करता है और वैसो डायलेटर का भी अच्छा काम करता है। लेकिन जो हमारे डिहाइड्रोपायरिडिन है, ये क्या करेंगे, हमारे हार्ट के ऊपर इनका बहुत ही मतलब लो इफेक्ट होता है, मान के चलिए मैंने यहाँ एक पॉइंट दे दिया। जबकि ये आर्टरी पे हमारा कितना काम करेंगे, आर्टरी को ये बहुत ज़्यादा डायलेट करने का काम करते हैं, वैसे डायलेटर का ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट ड्रग है। जबकि यहाँ पे ये जो है नॉन डिहाइड्रोपायरिडिन जो है वो हमारा कार्डियो सिलेक्टिव है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या कहाँ कहाँ इन ड्रगों को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जिन पेशेंटों में सिर्फ क्या है हमारा, जिन पेशेंटों के अंदर सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है आर्टेरियो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, मतलब आर्टरी बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो है पेशेंट की, हमारी जो है वो हार्ट रेट क्या है, नॉर्मल है, उस पर कोई मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसमें हम क्या करते हैं, निफिडिपिन, एमलोडिपिन, सबसे ज़्यादा मेनली यूज़ होती है हमारी एमलोडिपिन का, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एमलोडिपिन, निफिडिपिन, निकारडिपिन, क्लेविडिपिन, निमोडिपिन, इन सबके अलग अलग मतलब यूटिलाइजेशन है, स्पेसिफिक किस्में आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। और जो हमारा वेरापा मिल है, वेरापा मिल मेनली क्या है हमारा, कार्डियो सिलेक्टिव है, हार्ट रेट को कम करता है। तो जिन पेशेंट के अंदर क्या होगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, ठीक है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उसके वजह से बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उनमें वेरापा मिल का हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिल्टियाजम का भी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिनके हार्ट रेट भी बढ़ी है और स्लाइडली बीपी भी हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और निफिडिपिन, इन सब का यूज़ क्या हम क्या करेंगे, सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट पर उनके कोई इफेक्ट नहीं है हमारा, ठीक है। अब देखिए, जो इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या क्या इनके इंडिकेशन है कि इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंडिकेशन के लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, इसके बाद जो आएगी नेक्स्ट, और कहाँ इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और क्यों, क्या क्या इनके साइड इफेक्ट हैं इन ड्रग्स के, डिहाइड्रोपायरिडिन्स के और नॉन डिहाइड्रोपायरिडिन्स के, और डिहाइड्रोपायरिडिन्स के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि हार्ट में किस तरीके से कंडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, किस तरीके से ये कंडक्शन आगे बढ़ता है, फिर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस तरीके से कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम के वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, आर्टरी किस तरीके से हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है कैल्शियम की वजह से, और इस कैल्शियम को ब्लॉक करके हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम अपने आप से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, मतलब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो कैल्शियम को ब्लॉक करके आर्टरी को डायलेट कर सकते हैं ताकि बीपी कम हो। हार्ट रेट बढ़ी भी है, हार्ट रेट क्योंकि जैसे ही भाई हार्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही कार्डियक आउटपुट होगा, कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा होगा उतना ही बीपी हमारा बढ़ जाता है, तो हार्ट रेट को कम करके भी हम क्या कर सकते हैं, बीपी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ड्रग का अपना अपना यूज़ है। अब क्या इनका स्पेसिफिक यूज़ है, क्या क्या इनके इंडिकेशन है, ठीक है, और क्या क्या इनके नॉन इंडिकेशन है, कहाँ कहाँ इन्हें नहीं यूज़ करना है, ये आगे के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।